हेलो एवरीवन वेलकम टू करियर इंफॉर्मेशन तो इस वीडियो में आपसे मैं जो रिक्रूटमेंट डिस्कस करने वाला हूँ वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि बेल के अंडर जो रिक्वायरमेंट जारी किया गया है फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोजेक्ट इंजीनियर वन अप्लाई है, है, कौन सी -कौन सी कैसे करना है सिलेक्शन पैटर्न कैसा है और सबसे इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा वो भी मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा सबसे पहले तो ये बता दू बीस सात यानी कि कल सुबह ग्यारह बजे से इसका जो है ये लिंक एक्टिवेट हो जाएगा जहां से आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो तो सबसे पहले अभी आज चलते इसके डिटेल नोटिफिकेशन की तरफ उसका भी लिंक हर साल की तरह इस बार भी जो है, ही था और जो वैकेंसी है ट्रेनिंग इंजीनियर वन एंड प्रोजेक्ट इंजीनियर वन की वो लगभग हर स्ट्रीम के लिए अलग अलग है और प्रोजेक्ट लोकेशन जो है प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपका बैंगलोर कॉम्प्लेक्स में ही होगा सो so, यहाँ पे जो है ई सी ई यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 54 वैकेंसी अंडर ट्रेन इंजीनियर वन उसके बाद मैकेनिकल के लिए 20 इलेक्ट्रिकल के लिए चार सी एस के लिए यानी कि कंप्यूटर साइंस के लिए दो वैकेंसी है इसका जो एज एज लिमिट है वो है 28 एंड यहाँ पे जो रिजर्वेशन वाइज पोस्ट है यानी कि ये टोटल मिला के जो रिजर्वेशन है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है जो भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो आप अप्लाई कर सकते हो रिलैक्सेशन आपको एज में मिलेगा अगर आप एस सी कैटेगरी से हो तो आपका 33 तक चलेगा अगर आप ओबीसी से हो तो आपका 31 तक यहाँ पे चलेगा उसके बाद में जैसे कि ये कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है तो आपका जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर जो रिन्यूमनेशन आपको रहेगा वो कंसोलिडेटेड रहेगा हमेशा की तरह सो फर्स्ट ईयर आपका थर्टी थाउजेंड सेकेंड ईयर में आपको थर्टी फाइव थाउजेंड थर्ड ईयर का जो है वो इफ रिक्वायर्ड बताया गया है यानी कि अगर आपका जो है एक्सटेंड होता है तो ही आपको थर्ड ईयर का मिलेगा अदरवाइज आपका ये जो इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट है ये मोस्टली आपका दो साल का ही रहेगा फॉर ट्रेनिंग इंजीनियर वन उसके बाद अगर चाहे तो ये एक्सटेंड हो सकता है डिपेंड ऑन योर परफॉर्मेंस एंड प्रोजेक्ट अगर वो तीसरे साल भी रहा तो आपको चालीस हजार वहां पर सैलरी मिलेगा अब बात करेंगे प्रोजेक्ट इंजीनियर वन की यहाँ पे ईसी की जो वैकेंसी है वो फोर है मैकेनिकल की बीस इलेक्ट्रिकल के लिए चार और सी के लिए दो वैकेंसी पे 32 आपका एज लिमिट है वैसे ही यहाँ पे आपका रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट भी है उसके बाद में फॉर एस सी एस टी थर्टी सेवन एंड फॉर ओबीसी थर्टी फाइव विल बी यूर एज लिमिट अपर एज लिमिट यहाँ पे जो है आपका इनिशियल जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तीन साल का रहेगा फर्स्ट ईयर आपको हजार मिलेगा सेकेंड ईयर फोर्टी फाइव थर्ड ईयर फिफ्टी अगेन इफ रिक्वायर्ड ऑन योर परफॉर्मेंस और द तो प्रोजेक्ट अगर एक्सटेंड हुआ तो आपको यहाँ पे फिफ्टी फाइव थाउजेंड फोर्थ ईयर के लिए मिलेगा फोर परसेंट ऑफ द पोस्ट विल रिजर्व फॉर द पीडब्ल्यूडी तो जो है चार परसेंट जो पोस्ट है वो है पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पे रखी है और जो है PWDs का मेरे ख्याल से दस साल आपका रिलैक्सेशन होता है सो उसी के हिसाब से यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन भी मिले, मिलेगा एज ऑन ऑलरेडी मैंने बता दिया एज के बारे में टर्म ऑफ एंगेजमेंट भी मैंने ऑलरेडी आपको क्लियर कर दिया है कि प्रोजेक्ट इंजीनियर का जो है वो यानी कि ये ये पहले तीन साल रहेगा उसके बाद में फोर्थ ईयर जो है डिपेंड करता है प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट और आपके परफॉर्मेंस पे वैसे इसका मैंने दो साल बताया और तीसरा आपका जो है वो डिपेंड करेगा प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट एंड इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के ये हमेशा हर साल ऐसे ही होता है इन एडिशन टू रिमनेशन इंडिकेटेड अबाउट अ कंसोलिडेटेड अमाउंट ऑफ ट्वेल्व थाउजेंड पर ईयर विल बी पेड टूवर्ड्स द रिमबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसिस लाइक मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम यूनिफॉर्म स्टिचिंग चार्जेस फुटवेयर अलाउंसेस या बाकी अलाउंसेस यानी कि आपको बारह हजार जो है वो पर ईयर एक्स्ट्रा मिलेगा फॉर दिस ऑल अदर थिंग्स ओके जो यहाँ पे बताए है ऑल अदर एक्सपेंसेस जैसे यहाँ पे बताया है तो आपको ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है जिसमें आपको एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस भी मिलेंगे अदर देन योर क्वालिफिकेशन जो है वो आपका भी भी टेक रहेगा और जो भी आपका ई सी ई को अगर अप्लाई कर रहे हो तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन आपका चाहिए या फिर कम्युनिकेशन होगा बैचलर डिग्री तो भी चलेगा मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल स्ट्रीम चाहिए इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एलिजिबल है कंप्यूटर साइंस के लिए जो है कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ये सारी जो टर्म्स है कंप्यूटर एप्लीकेशन ये सारी जो स्ट्रीम्स है वो एलिजिबल है मिनिमम जो आपका एग्रीगेट है फॉर जनरल ओबीसी डब्लूएस वो 55% और वही एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए ऐसा कुछ नहीं है जस्ट पास क्लास आपका जरूरी है अब बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज की वो है पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस सो 18 2022 तक अगर आपको ट्रेनिंग इंजीनियर को अप्लाई करना है सो मिनिमम सिक्स मंथ्स ऑफ रिलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल मेंशन डिसिप्लिन जो भी डिसिप्लिन वहां पे मेंशन थे, ओके okay, सो so, ये चीजा ये चीजें जो है वो जरूरी है फॉर दिस ट्रेनिंग इंजीनियर पोस्ट नेक्स्ट जो है प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए वही यहाँ पे जो छह महीने का था आपका यहाँ पे दो साल तक का जरूरी है ओके okay, एंड ये चीज याद रखना कैंडिडेट्स आर प्रोसेसिंग रिलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ओनली नीड टू अप्लाई ऐसा नहीं करो कि आप अगर फ्रेशर हो और आप अगर ट्रेन इंजीनियर वन को अप्लाई करते हो तो आपका जो कैंडिडेचर वो कैंसिल हो जाएगा फॉर्म जो है वो रिजेक्ट होने के चांसेस है आपका प्रोसेस ही आगे नहीं बढ़ेगा सो सिक्स मंथस फॉर ट्रेन इंजीनियर वन एंड प्रोजेक्ट इंजीनियर वन फॉर दैट इज टू टू ईयर्स अब कौन सा कौन सा एक्सपीरियंस चाहिए तो इंडस्ट्रियल चाहिए अगर आपका टीचिंग या रिसर्च वर्क एक्सपीरियंस है या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या इंटर्नशिप प्रोजेक्ट वर्क का है सो दैट विल बी नॉट कंसीडर वो एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं कंसिडर होगा वो सारा का सारा आपका इंडस्ट्रियल से रिलेटेड है देन देन एंड इट विल बी सो आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो बहुत जरूरी है इसके लिए क्योंकि आपका क्वालिफिकेशन जो है डिग्री तो आपके पास रहेगा ही इंजीनियरिंग तभी आप अप्लाई कर रहे हो लेकिन आपके पास जो चाहिए वो है इंपॉर्टेंट आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स विथ वैलिड अब आते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर पे यहाँ पे जो आपका रिटर्न टेस्ट होगा विच वैकेंसीज अब जितनी वैकेंसीज होंगी उसके हिसाब से कट ऑफ कैसे लगेगा सो so 85 फाइव मार्क्स का आपका जो रिटर्न टेस्ट है उसमें वन बाय फाइव यानी कि वन एज टू फाइव जो है रेशियो के हिसाब से यहाँ पे बुलाया जाएगा फॉर इंटरव्यू एंड 15 परसेंट जो बच्चों को बुलाया जाएगा उनके लिए 15 परसेंट जो वैटेज रहेगा वो इंटरव्यू के लिए रहेगा सिंपली ओके okay, तो इस तरह से यहाँ पे होगा अगर आपकी 10 वैकेंसी और कैटेगरी वाइज ये शॉर्टलिस्टिंग होगा आफ्टर रिटर्न टेस्ट जो होता है हमेशा अगर किसी कैटेगरी में दो, दो ही वैकेंसी या स्ट्रीम में किसी कैटेगरी के, के लिए दो वैकेंसी तो आपको दस बच्चों को वहां पे बुलाया जाएगा टॉप टेन उस कैटेगरी के, के अंडर सो so, और ओवरऑल जो है आपका वैसा ही होगा सो so 15% आपका जो इंटरव्यू के लिए रहेगा मिनिमम क्वालीफाई मार्क्स जो है इन रिटर्न टेस्ट एंड इंटरव्यू इज 35% एंड जो है जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी एंड 30% एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी अब ये मिनिफाई मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है यानी कि ये कट ऑफ नहीं याद रखना मिनिमम क्वालीफाई मार्क्स यानी कि आप बस पास किए हुए एग्जाम अब डिपेंड करता है आपके आगे कितने लोग हैं या फिर मेरिट कितने तक जाता है द वेन्यू फॉर द रिटर्न टेस्ट एंड इंटरव्यू विल बी ओनली बैंगलुरु सो आप अगर अप्लाई कर रहे हो तो ये चीज याद रखना एंड आपका पोस्टिंग भी वहीं पे होने वाला है सो so कोई दिक्कत है नहीं कैंडिडेट्स हुआ द दबाउ पोस्ट में अप्लाई ऑनलाइन बाय क्लिकिंग द रिलेवेंट लिंक प्रोवाइडेड अगेंस्ट द एडवर्टाइजमेंट अभी आपको अप्लाई कहाँ से करना है वो मैं बता दू uh, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में डैशबोर्ड दिखाया था उनका सो ऑफिशियल साइट का वही से आपको क्लिक हियर टू अप्लाई ये लिंक अभी जनरेट नहीं हुआ है वो एरर दिखाएगा फोर जीरो सो आपको वेट करना पड़ेगा कल के लिए कल से आप यानी कि 11 बजे से आप अप्लाई कर पाओगे तो ये जो आपको सामने अभी नजर आ रहा है इनकी जो ऑफिशियल साइट है वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा आप वहां से अप्लाई कर सकते हो और मैं दूसरा लिंक आपसे जो शेयर करने वाला हूँ वो तो नोटिफिकेशन का है ही सो so, आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो आप कहीं कहीं पे भी जाने की या फिर कहीं भी साइट कहीं भी और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप यहीं से यूट्यूब चैनल से डिस्क्रिप्शन से आप डायरेक्टली लिंक पे जा सकते हो कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू एंटर ऑल इन्फॉर्मेशन करेक्टली क्योंकि बहुत ज़रूरी है स्पेशली मैं बता रहा हूँ कैटेगरी के जो सर्टिफिकेट्स होते हैं एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट्स आपके जो है वो बहुत ज़रूरी है फीस जो है आपको यहाँ पे फोर फॉर जनरल ई एंड ओ वही फॉर प्रोजेक्ट इंजीनियर वन एंड वही अगर ट्रेन इंजीनियर वन को अप्लाई कर रहे हो तो वो रहेगा आपका मेकिंग पेमेंट कैंडिडेट्स अपलाइंग फॉर द बोथ अगर आप प्रोजेक्ट इंजीनियर एंड ट्रेन इंजीनियर पोस्ट आर रिक्वेडर टू रिमिट फीस सेपरेटली सो आप दोनों पोस्ट के लिए भी अगर किसी कैंडिडेट का अगर एक्सपीरियंस समझो होगा 2 साल का तो वो तो दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल है ओके और वो चांस ले सकता है कि दोनों पोस्ट को अप्लाई करे लेकिन आपको क्या करना है फीस जो है वो सेपरेटली ईच पोस्ट के लिए पे करना है ये चीज याद रखना एसबीआई कलेक्ट से कैंडिडेट कैन मेक द पेमेंट बाय अप्रोचिंग एस बी आई ब्रांच कैंडिडेट शुड सिलेक्ट एस बी आई ब्रांच इन पेमेंट ऑप्शन एंड डाउनलोड चलन एंड थ्रू एस बी आई कलेक्ट एंडीस एंड प्लस इन द एस बी आई ब्रांचिट्स में जो है एस सी एस टी पीडब्ल्यू डी कैंडिडेट के लिए एंड जनरल ओ बी सी ईडब्ल्यू एस कैंडिडेट एंटर देयर एस बी आई कलेक्ट रेफरेंस नंबर जब भी आपका फॉर्म हो जाएगा सॉरी पेमेंट uh, हो जाएगा तो आपको एक रेफरेंस नंबर

ओके okay, लेकिन वो रेफरेंस नंबर याद रखना डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट्स बी अपलोडेड ऑनलाइन आप अप्लाई करोगे तो आपको कौन से कौन से के लिए आपका जो का होता है. का आपका leads, ये भी क्योंकि पे है आपका हो रहा है मतलब जो भी शॉर्ट लिस्टिंग क्योंकि पर्टिकुलर uh, आपका जो है पासिंग यानी कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सीजीपी ए कन्वर्जन डॉक्यूमेंट अगर कहीं पे एप्लीकेबल लगता है कास्ट uh, जैसे मैंने रिजर्वेशन के सारे सर्टिफिकेट्स और सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रीवियस एंड इज कंपलसरी वेयर करंट एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट इज नॉट प्रोड्यूस द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट शुड ऑल द दी अटैच सो अगर करंट एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट आपके पास नहीं होगा या फिर आपको आने वाला होगा तो आपको क्या क्या अटैच करना है ऑफर प्रोसीजर हो पाए और पीएसमेंट ऑर्गेजेशन शुड कम्पल्सरी सबमिट दर्टिकुलर एप्लीकेशन थ्रू दॉपर चैनल नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उनको लेके आनाव्यू एस बी आई कलेट पेमेंट चलन uh, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि यहाँ पे दिया है तो आपको वो चलन चाहिए एस सी एस टी पी डब्ल्यू डी के लिए नहीं है वो आप नहीं होगा तो भी चलेगा आइडेंटिटी प्रूफ आधार कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस वोटर आई डी तो एक चीज याद रखना है आपको फॉर जनरल एंड ई डब्ल्यू एस एन ओबीसी के लिए बता रहा हूँ अगर आपको अप्लाई करना है ना तो उससे पहले आप पेमेंट कर लो क्योंकि पेमेंट करने के बाद ही आपको एस बी आई कलेक्ट पेमेंट चलन यानी कि रेफरेंस नंबर और सारा मिलेगा तब तक आपको नहीं मिलेगा जब तक आप चलन जनरेट नहीं करोगे तब तक आप फॉर्म ही नहीं फिलअप कर पाओगे क्योंकि आप अपलोड नहीं कर पाओगे पर्टिकुलर चलन So, ये सारी चलन आपको जरूरी है क्योंकि यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि और कुछ बाकी चीजें होंगी तो मैं बता दूंगा लेकिन मेरे ख्याल से ये इनफ है इस पर्टिकुलर जो है आपके रिक्रूटमेंट के लिए एंड तीन तारीख यानी कि तीन ऑगस्ट जो है इसका लास्ट डेट है अप्लीकेशन का सो अप्लाई uh, करो जल्दी से जल्दी अगर आप एलिजिबल हो याद रखना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन डिटेल मैंने बताया और दो लिंक मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ एक नोटिफिकेशन का लिंक ये जो आपको सामने नजर आ रहा है और दूसरा जो ये डैशबोर्ड जो है उनका ऑफिशियल जहाँ से आप डायरेक्टली आपको पेमेंट का भी मिल रहा है ऑप्शन वहाँ पे आपको क्लिकर टू तो अप्लाई का भी मिल रहा है तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो सो so, जुड़े रहिए ऐसे बहुत सारे रिक्रूटमेंट के लिए क्योंकि ये चैनल का यही थीम है कि आपके तरफ बहुत सारे रिक्रूटमेंट जो है वो आते रहे जो ऑफिशियल आते हैं फिर वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो या फिर वो आपसे कन्वे कर सकूँ और छोटी छोटी जो चीज़ें हैं रिगार्डिंग द वो मैं आपको बता पाऊँ ताकि आप इसके बाद डायरेक्टली अप्लाई कर सको सो so, ऑलरेडी बहुत सारे जॉब जो है वो पोस्ट कर दिए है मैंने चैनल पे आप वो भी जाके चेक करो आपके दोस्तों के साथ भी आप शेयर करो ज्यादा से ज्यादा और ऐसे ही आपको अगर वीडियोज और जॉब अलर्ट्स आपको चाहिए तो दो चीजें जरूरी है एक सब्सक्राइब करना और बेल बेलाइकॉन को हिट करना क्योंकि बहुत सारे बच्चों का जो है ऐसा हुआ है कि डेट्स जो है वो निकल जाते या फिर एक महीने पहले वाला अगर आप एक दो महीने वाला पुराना वीडियो देखोगे तो उसका आपको नोटिफिकेशन भी नहीं मिलेगा क्योंकि जो प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर्स होते हैं उसका एक पर्टिकुलर डेट्स होते हैं एक बार फिलअप हो गया तो आप नहीं भर पाओगे सो ये सारी चीजें तो एक्टिव रहना आपका जरूरी है इफ यू आर विलिंग टू चेंज द जॉब और या फिर आपके दोस्त कोई जॉब के लिए चाहिए सो सब्सक्राइब करो एंड बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टे ट्यून हर दिन आपको मिलेंगे यहाँ पे वीडियोस एक भी दिन ऐसा नहीं है कि उस दिन आपको वीडियोस ना मिले सो थैंक यू ऑल द बेस्ट एंड यस सब्सक्राइब इट एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट अपडेट